नाज़रीन, हम में से बहुत से लोगों ने ऐसे अफराद देखे होंगे जो ये कहते हैं कि मेरे सर के सारे बाल सफेद हो गए हैं, जबकि मेरी उम्र बहुत कम है। कुछ लोगों को बचपन ही से ये मसला बन जाता है, तो आज की वीडियो में हम ये जानते हैं कि बाल जल्दी सफेद क्यों हो जाते हैं। वक्त से पहले बाल सफेद हो जाने की कुछ वजूहात हैं। क्या सफेद बाल मुस्तकिल तौर पर स्याह हो सकते हैं? अमरीकी साइंसदानों का दावा है कि उन्होंने उम्र के साथ साथ बालों के सफेद होने की वजह दरियाफ्त कर ली है। इन साइंसदानों ने दावा किया है कि जब बालों को स्याह रखने वाले खुलिए अपनी पुख्तगी की सलाहियत खो देते हैं, तो बाल सफेद होना शुरू हो जाते हैं। अगर ये खुलिए पुख्ता हो जाते हैं तो वो मेलानोसाइट्स में बदल जाते हैं, जो बालों की कुदरती रंगत को बरकरार रखते हैं। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के मुहक्कीन की एक टीम ने ये तहकीक चूहों पर की है। चूहों में बालों के एक ही किस्म के खुलिए होते हैं। तहकीक करने वाले साइंसदानों का दावा है कि इससे सफेद बालों को दोबारा स्याह करने का अमल शुरू करने में मदद मिलेगी। ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट BAD के मुताबिक मेलानोसाइट्स का मुताला बाज किस्म के कैंसर और दीगर सेहत की हालतों का इलाज तलाश करने में मदद करेगा। बाल सफेद कैसे होते हैं? हम बूढ़े हो जाते हैं और बाल झड़ जाते हैं। ये हमारी जिंदगी का एक आम अमल है। बाल जिल्द में बालों के गुदूद से उगते हैं, जहां वो खुलिए होते हैं जो बालों को स्याह रखते हैं। ये खुलिए बाकायदगी से बनते और तबाह होते रहते हैं। ये खुलिए स्टीम सेल से बनते हैं। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के साइंसदानों का ख्याल है कि जब किसी भी वजह से स्टीम सेल से इन सेल्स को बनाने का अमल रुक जाता है, तो लोगों के बाल सफेद होना शुरू हो जाते हैं। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी की लैंग्वन हेल्थ टीम ने खुसूसी स्कैनिंग और लैब तकनीक की मदद से इन खुलियों की तश्कील और नशोनुमा का मुताला किया है। जब बाल बूढ़े हो जाते हैं और गिरना शुरू हो जाते हैं, तो बाल बढ़ते रहते हैं, लेकिन बाद में मेलानोसाइट्स के खुलिए सुस्त होने लगते हैं। इसकी वजह से रंग बनने का अमल रुक जाता है और बाल सफेद होने लगते हैं। क्या सफेद बाल दोबारा स्याह हो सकते हैं? ये पहली बार नहीं कि साइंसदानों ने सफेद बालों को दोबारा स्याह करने की उम्मीद जाहिर की है। ताहम गजाइत की कमी को भी बालों के कबल अज वक्त सफेद होने की एक वजह समझा जाता है। दूसरी जानब तनाव भी बालों के सफेद होने का सबब बनता है। इन माहरीन के मुताबिक जहनी तनाव को दूर करके बालों के सफेद होने को कुछ वक्त के लिए रोका जा सकता है। दूसरी जानब बाज मुहक्किकीन के मुताबिक बालों के सफेद होने की जीनियाती वजूहात हैं। मतलब कि अगर आपके वालिद या वालिदा के बाल जल्दी सफेद हो गए थे, तो हो सकता है कि आपके बाल भी जल्दी सफेद हो जाएं। कुछ लोग वक्त से पहले ही अपने बालों को सफेद करना शुरू कर देते हैं। ग्लैमर मैगजीन के मुताबिक सिल्वर बालों का रुझान नौजवान खवातीन में बहुत मकबूल है। इसके अलावा चमकदार और मोतियों का रंग ऑस्टर ग्रे भी इंस्टाग्राम पर काफी मकबूल हुआ है। नाजरीन, एक वक्त था जब लोग सफेद बाल नहीं रखना चाहते थे, लेकिन हम अब सफेद बालों को बूढ़े होने से नहीं जोड़ते। बहुत से लोग ऐसा करते हैं। आमतौर पर लोग बाल सफेद होने पर उसे हटाने की कोशिश करते हैं। माहरीन के मुताबिक एक ही खुलिए से आने वाले दीगर बालों को सफेद होने से रोकना मुमकिन नहीं है। बालों के फॉलिकल्स को पहुंचने वाले नुकसान से नए बालों की अफजाइश भी रुक जाती है। ऐसी सूरत में बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं या गंजापन नुमाया होना शुरू हो जाता है। ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट की डॉक्टर लैला का मानना है कि बालों को रंगना बड़ा कारोबार है। उनका मजीद कहना था कि 2030 तक बालों के रंग की आलमी मार्केट 33.7 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी।
बालों के रंग की मार्केट में वाज़े तौर पर मांग बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि ये तहकीक एक आम आदमी के नुक्ता नजर से वाज़े इशारा देती है कि हम सफेद बालों को दोबारा स्याह करने के एक कदम करीब हैं, जबकि तिब्बी नुक्ता नजर से बालों से मुतल्लिक दीगर मसाइल आम होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा इससे हमें बीमारी की नौयत को समझने में भी मदद मिलेगी, मिसाल के तौर पर मेलानो या जिल्द का संगीन कैंसर। ये एक तीबी हालत को समझने में भी मदद कर सकता है जिसे गंजापन कहा जाता है। इस हालत में जिस्म का अपना मुदाफती निजाम खुद बालों पर हमला करता है और उसकी वजह से बाल गिर जाते हैं। बाज़ औक़ात इन मरीजों में सफेद धब्बे होते हैं। डॉक्टर लैला के मुताबिक ये तहकीक विटेलगो जिल्द के किसी भी हिस्से पर सफेद धब्बों की जाहरी शक्ल के बारे में मज़ीद मालूमात फराहम कर सकती है। जिल्द की कुदरती रंगत को बरकरार रखने के लिए साइंसदान मुतासरा हिस्से में बालों की पत्तियों को ट्रांसप्लांट करने की कोशिश कर सकते हैं, ताहम इस पर मज़ीद तहकीक की ज़रूरत है। ऐसे हालात में नई तहकीक रंग पैदा करने वाले खुलियों की खराबी के मरीजों के लिए मुस्तकबिल के इलाज की राह हमवार कर सकती है। उम्मीद करते हैं नाजरीन आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। देखते रहिए न्यूज़ क्लिक।